चीन के हैकर्स के निशाने पर ये मुख्य देश, क्या भारत के लिए है ये कोई आने वाले खतरे का अंदेशा? चीन बढ़ा रहा है अपने हैकर्स की फौज। दुनिया के कई मुख्य देश हैं चीन के निशाने पे। ड्रैगन ने शुरू की अपनी सेना में बदलाव, भारत को दे रहा है खुली चुनौती। दोस्तों, चीन अपनी गतिविधियों में बहुत तेजी ला रहा है और अब जो चीन की नई चाल के बारे में पता चला है ना, उसे सुन आप चौंकने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, चीन के संभावित रूप से सरकार प्रायोजित हैकर्स दक्षिण पूर्व एशिया में सरकार और निजी क्षेत्र के संगठनों को व्यापक रूप से निशाना बना रहे हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, चीन ने अपने हैकर्स की फौज तैयार कर ली है। और आपको बता दें कि इनमें बुनियादी ढांचे के विकास की परियोजनाओं पर बीजिंग के साथ करीबी रूप से संलिप्त संगठन भी शामिल हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका स्थित एक निजी साइबर सुरक्षा कंपनी ने हाल ही में जारी की एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी है। दोस्तों, अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं ना, वो आपको बहुत ही हैरत में डाल सकती है। दोस्तों, हैकर्स के खास निशाने पर थाईलैंड का प्रधानमंत्री कार्यालय और सेना है। जी हाँ, इसके अलावा इंडोनेशिया और फिलीपींस की नौसेनाएं, वियतनाम की नेशनल असेंबली और उसकी कम्युनिस्ट पार्टी का केंद्रीय कार्यालय और मलेशिया का रक्षा मंत्रालय भी इनके निशाने पर है। सूत्रों के मुताबिक दक्षिण पूर्व एशिया में हाई प्रोफाइल सैन्य और सरकारी संगठन को हैकर्स ने फनी ड्रीम और चिनोक्सी जैसे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर निशाना बनाया है। दोस्तों, आपको बता दें कि ये सॉफ्टवेयर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि चीन के सरकार प्रायोजित कई समूह इसका इस्तेमाल करते हैं। वैसे चीन की ओर से आए बयानों के बारे में बात करें तो चीन के विदेश मंत्रालय ने अभी इन आरोपों पर जवाब नहीं दिया है। पूर्व में चीनी प्राधिकारियों ने हैकिंग को सरकार द्वारा किसी भी रूप में समर्थन दिए जाने से लगातार इनकार किया है और इसके बजाय उनका कहना है कि चीन खुद साइबर हमलों का प्रमुख निशाना है। तो दोस्तों, यहाँ जो बात ध्यान देने वाली है ना, वो आप सुनिए आगे। चीन एक तो दूसरे देशों को अपना निशाना बना रहा है, वो भी हैकिंग के जरिए दोस्तों, और यहाँ पूछे जाने पर वो खुद को ही विक्टिम बता रहा है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि चीन कैसा विक्टिम कार्ड प्ले कर रहा है यहाँ। दोस्तों, आने वाला समय तीन देशों के लिए काफी खतरनाक हो सकता है और वो देश हैं मलेशिया, इंडोनेशिया और वियतनाम। दोस्तों, ये शीर्ष तीन देश हैं जो साइबर हमलों के निशाने पर हैं। चीन इन पर अपनी नजरें लगाए हुआ है। इसके अलावा कुछ और देश जो चीन के निशाने पर हैं, वो हैं म्यांमार, फिलीपींस, लाओस, थाईलैंड, सिंगापुर और कंबोडिया। दोस्तों, कहा यह जा रहा है कि ये देश चीन के सीधे निशाने पर हैं। वो अपनी हैकर्स की फौज इन देशों के खिलाफ उतारने की पूरी तैयारी कर चुका है। दोस्तों, अगर इस रिपोर्ट के बारे में बात करें तो आपको हम बता देना चाहते हैं कि सूत्रों ने बताया कि सभी देशों को इस रिपोर्ट के नतीजे के बारे में अक्टूबर में ही सूचित कर दिया गया था। आगे कहा गया, 2021 में इंसिक्ट ग्रुप ने दक्षिण चीन सागर पर दावा जताने वाले देश वियतनाम, मलेशिया और फिलीपींस के प्रधानमंत्री कार्यालयों, सैन्य प्रतिष्ठानों और सरकारी विभागों को लगातार निशाना बनाते हुए साइबर जासूसी अभियान का पता लगाया। इसी दौरान इंडोनेशिया और थाईलैंड में कुछ संगठनों को भी निशाना बनाया गया। तो दोस्तों, ये थी चीन को लेकर नई अपडेट और यकीन मानिए दोस्तों, ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। चीन अपनी हैकर्स की फौज तैयार कर पूरी दुनिया पर हमला करना चाहता है। देशों के अंदर की बातें निकाल कर चीन अपनी ताकत से पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहता है। वहीं दोस्तों, चीन ने अपनी सेना को और मजबूत करने की तकनीक अपनानी भी शुरू कर दी है। जिस तरह से सीमा पर आए दिन चीन अपनी गंदी मनसा दिखाता रहता है, वैसे देखा जाए तो चीन के तरफ से भारत के लिए किसी चेतावनी से कम नहीं है। क्या है पूरी कहानी, आइए आपको हम विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सेना को तेजी से आधुनिक बनाने पर जोर देना शुरू कर दिया है। उन्होंने सशस्त्र बलों के तेजी से आधुनिकीकरण का समर्थन करने और भविष्य के युद्ध जीतने के लिए नई प्रतिभाओं की भर्ती की जरूरत पर बल दिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि चीनी राष्ट्रपति का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब इस बात की रिपोर्ट्स सामने आई है कि चीनी सेना ने फ्रंटलाइन पदों के लिए 3 लाख कर्मियों को भर्ती करने के लिए संसाधन दिए हैं।
चीनी सेना का नेतृत्व करने वाले जिनपिंग ने कहा, ये प्रतिभाएं चीनी सशस्त्र बलों के उच्च गुणवत्ता वाले विकास को आगे बढ़ाने, सैन्य प्रतियोगिता में जीत हासिल करने और भविष्य के युद्धों में बढ़त दिलाने की कुंजी है। दोस्तों, 209 बिलियन डॉलर के साथ चीन का रक्षा बजट काफी भारी भरकम है। हाल के दशकों में चीन ने अपनी सेना को तेजी से आधुनिक बनाने पर जोर दिया है। इसने संगठनात्मक सुधार किए और हाइपरसोनिक हथियारों सहित नई हथियार प्रणालियों को सेना में जोड़ा है। दोस्तों, अमेरिका सेना के अनुसार चीन ने हाल ही में एक लंबी दूरी की मिसाइल लॉन्च की जिसने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया, जिसका वीडियो हमने आपको बनाकर दिखाया था। जी हाँ, इसने खुद से हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन को अलग किया और ये वाहन आज चीन में वापस लौट आया। दोस्तों, और यकीन मानिए, ये डराने वाली बात है। इस टेस्ट के दौरान ये हाइपरसोनिक मिसाइल अपने टारगेट को तबाह करने के बेहद करीब आ गई थी। दोस्तों, सरकारी समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट ये कहती है कि शी जिनपिंग ने कहा कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 2027 में आने वाले शताब्दी वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने को लेकर ठोस समर्थन देने के लिए नई प्रतिभाओं की जरूरत है। यानी कि चीन का राष्ट्रपति शी जिनपिंग जो है वो अपनी सेना को मजबूत कर रहा है और मजबूत कर रहा है भारत के खिलाफ, और ये सोची समझी हुई चाल है। चीनी राष्ट्रपति ने कहा, लड़ने और जीतने की क्षमताओं को मजबूत करना सैन्य प्रतिभा की नई पीढ़ी का प्रारंभिक बिंदु और अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। उन्होंने सैन्य कर्मियों की वैज्ञानिक साक्षरता और आधुनिक युद्ध जीतने की उनकी क्षमता को बढ़ाने के लिए तकनीकी जानकारी में सुधार के लिए प्रयासों को बढ़ाने की गुजारिश की। दोस्तों, इसी बीच हांगकांग स्थित साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने सोमवार को बताया कि चीनी सेना ने युवा पेशेवरों को पीएलए में शामिल करने के लिए प्रोत्साहन देना भी शुरू कर दिया है। अग्रिम पंक्ति की भूमिकाओं के लिए 3 लाख सैनिकों के लिए संसाधन आवंटित किए हैं। दोस्तों, 2012 में सत्ता संभालने के बाद से जिनपिंग ने सेना में बड़े पैमाने पर सुधार किए हैं, जिसमें पीएलए द्वारा इसके आकार को 23 लाख से घटाकर 20 लाख सैनिकों तक करना शामिल रहा है। 3 लाख कर्मियों को गैर लड़ाकू यूनिट से हटा दिया गया था। दोस्तों, तो जैसा कि आपने देखा कि चीन अपनी सेना को और मजबूत कर रहा है, साथ ही अपने हैकर्स की फौज शुरू कर रहा है लगाने को लेकर। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और धमाकेदार जानकारियों का इंतजार करिए।